वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और दर्शकों, आज रिवॉल्यूशन इंडिया खुद गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हमारे आज के खास मेहमान श्री सोमनाथ दास जी, ऑनरेबल डायरेक्टर डेवलपमेंट जाइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डायरेक्टर सर, आपसे हम जानना चाहते हैं कि एक इंजीनियरिंग या एक पढ़ने वाला स्टूडेंट, उसका एक गलत निर्णय उसको किस प्रकार से उसकी मंजिल तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करता है, चाहे वो किसी भी विषय में है, चाहे वो ट्वेल्थ का विषय है, चाहे वो इंजीनियरिंग का विषय है। कोई भी एक गलत निर्णय व्यक्ति का, बच्चे का, शिक्षा के क्षेत्र में एक गलत निर्णय उसको किस प्रकार से बाधित कर सकता है उसके मंजिल तक पहुँचने में। देखिए, सबसे पहले आपके सवाल में ही जवाब है कि कोई भी बच्चा जो है कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता है जी। गलत निर्णय के पीछे जो जिम्मेदार हैं वो हैं जो कि जो शिक्षाविद हैं और जो इस शिक्षा के जगत से जुड़े हुए हैं। एक प्रॉपर काउंसलिंग के साथ अगर बच्चे को एक सही राह दिखाई जाए तो वो हमेशा सही डिसीजन मेकिंग करेगा। अगर वो गलत डिसीजन मेकिंग कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी शिक्षा तंत्र ही जिम्मेदार है, क्योंकि वो तो आ ही रहा है आपके पास समझने के लिए कि उसके लिए सही राह क्या है, किस डायरेक्शन में उसे जाना चाहिए। सर, तो बच्चों को कहाँ, किस चीज़ पर टारगेट करना चाहिए कि वो सही चीज़, सही रास्ते को चूज़ करे और सही मंजिल तक पहुँच पाए। थोड़ा ओपन माइंड के साथ पेरेंट्स को भी जो है थोड़ा सा जो है उनको गाइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो एज है जहाँ पे कि बच्चा हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ता है, वहाँ पे कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आपके जो एक जो दिखावा आजकल एजुकेशन सेक्टर के अंदर चल रहा है उसको अवॉइड करते हुए आप जो है ट्रू क्वालिटी एजुकेशन की तरफ अपना एक असेसमेंट लें। और जिन जो भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी एक अच्छी लिगेसी है, 20-25 साल से चल रहे हैं, अच्छे यूनिवर्सिटी से गवर्न हो रहे हैं, वहाँ पे जो है जाकर के काउंसलिंग लें। और जब ट्रू काउंसलिंग होती है तो मैं ये तो मान सकता हूँ कि किसी को कुछ पता है, जो नहीं पता है वो कुछ दिनों बाद पता चल जाएगा। लेकिन ये मानना मुश्किल होता है कि आपको जब कोई काउंसिल कर रहा है तो आप ये असेस ना कर पाएं कि वो काउंसलिंग कितनी सटीक है या फिर आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग हमेशा फैक्ट्स पे बेस्ड होती है, खाली वर्बल नहीं। सर, काउंसलिंग का पैमाना क्या है, किस पैमाने पर, किस एज ए काउंसलर किसको अडॉप्ट करें और वो किस प्रकार से उस मंजिल तक सही रास्ता उसको मिल पाए। देखिए, काउंसलिंग जो है जैसा मैंने कहा फैक्ट्स पे बेस्ड होनी चाहिए। अगर प्लेसमेंट्स की बात हो रही है तो प्लेसमेंट्स के फैक्ट्स होने चाहिए, अगर डिग्री की बात हो रही है तो डिग्री के जो है पास्ट जो है रीसेंट ईयर्स के फैक्ट्स आपके पास होने चाहिए, अगर इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है तो इंस्टीट्यूशन का जो लेगेसी है, जो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो आपको पता होना चाहिए। और अगर इंस्टीट्यूशन से ऊपर उठ के हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी का वेटेज आपको पता होना चाहिए। ये सब फैक्ट्स ड्रिवन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने मान लिया, राइट। अगर मैं एक अच्छा काउंसलर हूँ और एक बच्चे को सही डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहा हूँ तो मेरी काउंसलिंग जो बेस करेगी इट विल नॉट ओनली बी बेस्ड ऑन वर्बल कम्युनिकेशन, इट विल बेस्ड ऑन दी फैक्ट्स। अगर मैं कोई चीज़ बात बता रहा हूँ तो उसके पीछे आपको फैक्ट्स भी मैं दूंगा, और उन फैक्ट्स को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। काउंसलर कहाँ सर्च करे, बच्चा कहाँ सर्च करे, कहाँ उसको एक अच्छा काउंसलर, अच्छा गाइड मिले ताकि वो मंजिल तक पहुँच पाए। आप हम सब काउंसलर्स हैं अपनी अपनी फील्ड के। अगर आप एजुकेशन अपने हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, स्कूल एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, जिस भी दिशा में जा रहे हैं, आप कोई मेडिकल सपोर्ट के लिए जा रहे हैं, असिस्टेंस के लिए जा रहे हैं, तो उस फील्ड के एक्सपर्ट से जो है अपनी गाइडलाइंस लें, उससे समझें क्या सही है उसके लिए और क्या गलत है। तो काउंसलर कोई एक ऐसी प्रजाति नहीं है जो कहीं पे किसी एक सेगमेंट में या सेक्टर में आपको मिलेगी या कहीं एक कमरे में बैठी हुई मिलेगी। हर कोई काउंसलर है, माँ बाप उस बच्चे के लिए काउंसलर का रोल प्ले करते हैं, हायर एजुकेशन में अगर वो जा रहा है तो हायर एजुकेशन के जो शिक्षाविद हैं जिनका अपना एक बहुत ही बड़ा अनुभव है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी एक काउंसलर है। काउंसलर हर कोई है जो भी अपनी उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज रखता है जी। आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत आभार। और दर्शकों को और जो युवा इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनको इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूं। आप अपने निर्णय लेने के लिए स्वयं स्वतंत्र हैं और अपने खुद के आप स्वयं गाइड बने, अच्छे काउंसलर के टच में रहें ताकि आपको जीवन में कभी पश्चाताप करने का मौका ना मिले। आपके स्वयं के निर्णय आपको मंजिल तक पहुँचाएंगे। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया, फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्स से मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।